हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं आज आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग का हम लोग चैप्टर कर रहे थे ओवरहेड्स एलोकेशन अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्ब तो ये वाला जो चैप्टर है इसका पहले वाला टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया है ठीक है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है री अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स ओवर या फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवर अब देखो हमने जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन करा था पिछले वीडियो में वो हमने करा था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स जिसमें आपने क्या करना था जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि चार डिपार्टमेंट हैं हजार 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 वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन था नॉर्मल जो हमने किया था वो था हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अब उसके लिए हमने जो भी पार्ट्स थे वो हमने कर लिए अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है जो हमने डी वाला जो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट था उसके जो भी थाउजेंड रुपीस थे उसको हमने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन किया था तो वो वाला जो पॉइंट था या वो वाला जो हमने अपोर्शनमेंट किया था उसको हम लोग क्या मानेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जब फर्स्ट टाइम हम अपोर्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और जब सेकेंड टाइम हम उसको अपोर्शन करेंगे तो उसको बोलेंगे री अपोर्शनमेंट और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो सेकेंड स्टेप में क्या है सेकेंड स्टेप जो है वो आपका है रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड जो भी सर्विस डिपार्टमेंट के ओवर हेड्स है उनको आपने दोबारा से क्या करना होगा रीअपोर्शन करना होगा तो री अपोर्शन के केस में कोई भी आप ले सकते हैं बेसिस किस भी किसी भी बेसिस पर आप रीअपोर्शन कर रहे हैं आपके जो सर्विस ओवर हेड्स हैं उनको हम बोलेंगे री अपोर्शनमेंट अब उसके प्रिंसिपल्स क्या है सबसे पहला प्रिंसिपल है सर्विस और यूटिलिटी प्रिंसिपल सर्विस और यूटिलिटी प्रिंसिपल के अंदर क्या है कि आपका जो भी शेयर है वो शेयर किस तरह से होंगे यानी जो सर्विस डिपार्टमेंट था उसका शेयर किस हिसाब से होगा जितनी भी सर्विसेज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं रिसीव करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट से उनके प्रोपोर्शन के अंदर ही आप क्या करोगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे जैसे कि मैंने कल जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था मैं वैसे एक बार बता रही हूँ ठीक है क्या थे हमारे पास डिपार्टमेंट्स थे ठीक है चार डिपार्टमेंट लिए थे हमने ए बी सी और डी ठीक है ये आपके तीनों कौन से डिपार्टमेंट थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे ठीक है और ये वाला जो डिपार्टमेंट था ये कौन सा था आपका सर्विस डिपार्टमेंट ठीक है अब हमने सबसे पहला पोर्शनमेंट किया था 1000 इसके किए थे 1000 इसके किए थे 1000 इसके और 1000 इसके यानी ओवरहेड्स को हमने जब फर्स्ट टाइम अपॉर्शन किया तो कैसे किया फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट 1000 1000 1000 और 1000 में अब जो ये 1000 1000 में किया था इसको हम बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलोगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना अब इस सर्विस डिपार्टमेंट के ये सारे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं अब ये सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी थाउजेंड रुपीज हमारा अपोर्शन होकर आया है इसको हम दोबारा से रीअपोर्शन करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर तो मैंने क्या बोला था टू इज टू टू इज टू वन की रेशियो में हम अपोर्शन करेंगे अब ये क्या बन गया बेसिस बन गया बेसिस ऑफ सर्विस यूटिलाइज ठीक है हम क्या मान लेते हैं वो वाला बेसिस है जिसने सर्विस जितनी यूटिलाइज़ किया मान लो इसने टू रेशो में यूटिलाइज़ की इसने भी टू में की और सी वाले ने सिर्फ वन रेशो का ही यूटिलाइज़ किया कैसे यूटिलाइज़ किया इसने कुछ सर्विस दी होगी ये मान लो रिपेयर का डिपार्टमेंट है सर्विस कौन सी है सर्विस इसकी रिपेयर की रिपेयर का डिपार्टमेंट है अब इस रिपेयर के डिपार्टमेंट ने क्या किया इनकी मशीन्स को इनकी मशीन्स को और इनकी मशीन्स को ठीक करा ठीक है इन डिपार्टमेंट की मशीन्स को रिपेयर करा तो अब हमने उस किसी भी एक बेसिस पर इनकी क्या निकाल ली प्रोपोर्शनेट निकाल ली कि किस प्रोपोर्शन में किया गया तो अब जो ये प्रोपोर्शन है इस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही ये जो थाउजेंड रुपीस वाला है इसको हम क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपने कैसे करना है थाउजेंड रुपीज को टू बाय फाइव के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करो तो हमारा क्या आया था फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड और टू हंड्रेड तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये वाला कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा होगा वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अभी सर्विस वाली बात समझ आ गई होगी जितनी भी सर्विसेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सर्विस डिपार्टमेंट से यूटिलाइज की होगी तो उतने ही प्रोपोर्शन में क्या कर दिया जाएगा डिवाइड कर दिया जाएगा जो भी ओवरहेड का खर्चा होगा सर्विस डिपार्टमेंट का हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल है सर्वे प्रिंसिपल सर्वे प्रिंसिपल क्या कहता है जैसे अब सर्विस और यूटिलिटी प्रिंसिपल था उसमें कितने भी सर्विसेज यूटिलाइज की होंगी अब सम टाइम्स क्या होता है ये जो सर्विसेज यूटिलाइज की गई हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा उसको जो आप निकालते हो ठीक है जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज जो भी रिसीव हुई हैं उनको जो फाइंड आउट करना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है समटाइम तो क्या होता है अब सर्वे प्रिंसिपल भी आप यूज कर सकते हो कैसे जितना भी वर्क मैनेजर ने ठीक है रिपेयर डिपार्टमेंट हमने लिया रिपेयर डिपार्टमेंट का जो भी मैनेजर है जो भी रिपेयर करता है एबीसी डिपार्टमेंट में जितना भी रिपेयर हुआ होगा अब उसका आप यूटिल सर्विस के हिसाब से नहीं निकाल पा रहे हो थोड़ा डिफिकल्टी जो हो रही है तो उस केस में वो जो मैनेजर है उस मैनेजर ने जितने जितने आवर्स वहाँ पर काम किया होगा जितने जितने टाइम वहाँ पर काम किया होगा तो उस टाइम के बेसिस पर क्या करेंगे जो अपोर्शनमेंट uh, है वो करेंगे ठीक है जैसे इन्होंने बोला वर्क मैनेजर डिवोर्स इज टाइम टू डिफरेंट प्रोडक्शन सेंटर्स सो अ सर्वे में बी मे सर्वे में जो है किया जाएगा इसमें क्या किया जाएगा ये देखा जाएगा कि कितना टाइम ईच डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है तो उसके हिसाब से ही जो सैलरी है सैलरी में देखी जाएगी कि उसकी सैलरी कितनी है उस हिसाब से ही उसका जो सैलरी है जो उसका ओवर है वो उन उन डिपार्टमेंट्स में जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर जैसे कोई भी बहुत ज्यादा वीक प्रोडक्ट है या जो वीक डिपार्टमेंट है तो उसमें हम शेयर कम डाल दें और जो आपका ग्रेटर अच्छा डिपार्टमेंट है वीक नहीं है बहुत स्ट्रांग डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर हम क्या कर दें उसका जो शेयर है ओवर का वो थोड़ा ज्यादा कर दें अब जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर मान लो कि कोई भी एक नया डिपार्टमेंट आता है ठीक है एक न्यू डिपार्टमेंट हम लोग और जोड़ लेते हैं मान लो ई डिपार्टमेंट जो है वो आ जाता है और ये कौन सा डिपार्टमेंट है आपका ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ठीक है अब ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ पर आया अब इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो खर्चा बनता है सबसे पहला मान लो जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक गुड को बनाने में पर यूनिट कॉस्ट जो है उसकी मान लो फाइव हंड्रेड रुपीज की आती है ठीक है और अगर हम इसके ओवरहेड का खर्चा भी जोड़ दें जो हमारा सर्विस डी वाला डिपार्टमेंट था अगर हम मान लो सौ रुपये उसके ओवरहेड का खर्चा जोड़ दें तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही छः सौ रुपये हो जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन फिर ऐड करोगे प्रॉफिट मार्जिन फिर ऐड करोगे तो प्रॉफिट मार्जिन भी अगर हम सौ रुपये ऐड करके चले तो भी सात सौ रुपये इसकी मार्केट प्राइस हो जाएगा तो इसको अवॉइड करने के लिए कि अगर फर्स्ट फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट जो है मार्केट में आ रहा है लॉन्च हो रहा है तो उस केस में उसकी जो एम है यानी मार्केट जो प्राइस है वो कम रखा जाए तो इसके लिए क्या करते हैं ये जो ओवरहेड का जो हमने खर्चा जोड़ा है ना ये ओवरहेड वाला इस ओवरहेड के खर्चे को हम इस पर नहीं डालते या इसमें बहुत कम बहुत लेस शेयर डाल देते हैं और बाकी जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर रहा है जैसे मान लो हमारा जो ए डिपार्टमेंट था सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसको हो रहा है ठीक है ग्रेटर प्रॉफिट ये जो है ले रहा है तो इसमें ग्रेटर शेयर डाल देंगे किसका ओवरहेड का ठीक है अब आगे देखो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है एफिशिएंसी और इंसेंटिव प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने क्या करना है सबसे पहले प्रोडक्शन बजट सेट करना है और दूसरा ओवरहेड्स के बजट सेट करने कि आपका जो प्रोडक्शन टारगेट है वो अचीव हो सके अगर जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है देन द बजटेड वन और आपका जो ओवरहेड का खर्चा है वो कम हो जाता है देन द बजटेड वन तो उस केस में ये कह सकते हो कि जो काम है वो बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ हुआ है और जो अपोर्शनमेंट है वो भी स्टैंडर्ड जो आपकी बनी हुई है स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उनके हिसाब से ही उनका अपोर्शन होगा अब यहाँ पर जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनमें जो हम अपोर्शन करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर तो उसको अपोर्शन करने के दो मैथड है सबसे पहला मैथड है अपोर्शनमेंट ओनली टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और दूसरा मेथड है अपोर्शनमेंट टू द सर्विस एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स इसमें क्या है सबसे पहला जो है सिर्फ और सिर्फ आपने जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो अपोर्शनमेंट करोगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही करोगे सबसे पहला मैथड ये कहता है अब इसमें क्या है फर्स्ट मेथड सिर्फ ये बोलता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का क्या आया है आपका ओवरहेड आया है जो भी खर्चा है कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आप किस में डालोगे प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में ही डालोगे ठीक है और दूसरा जो मेथड है वो क्या कहता है वो ये कहता है सबसे पहले जो भी आपका सर्विस डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी डालोगे उसका अपोर्शनमेंट उसमें भी करोगे और साथ ही साथ किस में भी करोगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी करोगे ठीक है सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है वो अदर सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी करोगे और किस में भी करोगे प्रोडक्शन में भी प्लस सर्विस में भी ठीक है हम सबसे पहले पहले मेथड की बात करते हैं इसमें क्या होता है जितना भी टोटल ओवरहेड आया है उस सर्विस कॉस्ट सेंटर का वो सारा का सारा जो है आप किस में डाल दोगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दोगे एक किसी भी अप्रोप्रिएट बेसिस के ऊपर ठीक है इसमें ये ध्यान रखना कि आप ये इग्नोर करोगे कि कोई भी एक सर्विस सेंटर दूसरी सर्विस सेंटर को कोई जो है सर्विसेज दे रहा है या नहीं दे रहा है ये चीज़ें आपने इग्नोर कर देनी है जो भी सर्विसेज ली होंगी एक सर्विस सेंटर ने दूसरी सर्विस सेंटर से ठीक है ये बात आप यहाँ पर इग्नोर करोगे अब यहाँ पर ये यह बेसिस बता रखे हैं जैसे डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पर आप कर सकते हो और आपका डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर कर सकते हो ये सारे नॉर्मल आपको जो है बेसिस बता रखे हैं उसके बाद ये बोला है कि जो जो है अपोसमेंट का सर्विस कॉस्ट सेंटर ओवरहेड का इसको आप क्या बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन मैथड री मैथड से भी बोलते हैं ठीक है अब जो है हम सेकेंड मैथड के ऊपर आते हैं सेकेंड मैथड क्या है अपोर्शनमेंट टू द सर्विस एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसमें क्या है आप ये नहीं देखोगे यानी यहां पर जो है आप सर्विसेज जो मैंने बोला कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को भी अगर कोई सर्विस दे रहा है तो आप यहां पर वो इग्नोर नहीं करोगे ठीक है यहाँ पर क्या बोला दिस बेसिस इज आर्ग्यूड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट ओनली द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विच रिसीव द बेनिफिट ऑफ अ सर्विस डिपार्टमेंट क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि सर्विस डिपार्टमेंट की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेते हैं बट जो अदर सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं वो भी उनका बेनिफिट उठाते हैं तो इस केस में आप इस चीज को इग्नोर नहीं करोगे अगर कोई भी बेनिफिट सर्विस डिपार्टमेंट जो है एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से ले रहा है अब इस मेथड के अंदर भी आपको दो मेथड गिवन है सबसे पहला है डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल अपोर्शनमेंट जिसको आप नॉन रेसिप्रेक रेसिप्रोकल बेसिस भी बोल सकते हो दूसरा है इंटर डिपार्टमेंटल अपोर्शनमेंट जिनको आप रेसिप्रोकल बेसिस भी बोल सकते हो तो हम सबसे पहला कर रहे हैं नॉन रेसिप्रोकल बेसिस वाला इसमें क्या है इसमें ये बोला इस मैथड के अंदर जो सर्विस कॉन्सेंटर्स होते हैं उनको रैंक्ड किया जाता है ठीक है ये देख कर मैग्नीट्यूड कि कितना है ओवरहेड का जितना भी आपने रिय पोर्सन करना है तो उस बेसिस पर इनको रैंक किया जाएगा जो ओवरहेड होगी सर्विस कॉ सेंटर की जो फर्स्ट रैंक पर आई है उसको रिय पोर्सन किया जाएगा सारे कॉ सेंटर के ऊपर चाहे वो आपका सर्विस कॉ सेंटर भी क्यों ना हो जैसे मान लो अब हम लोग ये मान लेते हैं डिपार्टमेंट फिर से मैं ले रही हूँ ठीक है अब आपके जो डिपार्टमेंट है वो बढ़ गए एक दो तीन चार पाँच एक और ले लेते ले हैं ठीक है ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट सी डी ई e और एफ डिपार्टमेंट ठीक है ये तीनों आपके प्रोडक्शन हैं ठीक है ठीके? और ये वाले तीनों आपके कौन से हैं सर्विस हैं ठीक है सबका खर्चा पहले हम थाउजेंड थाउजेंड बोल देते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं थाउजेंड थाउजेंडेंड ठीक है अब पहले मैं यहां से थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ आपको समझ आ जाएगा ये आपके डिपार्टमेंट है और अब इसका जो खर्चा है डी वाले का अब हमें किसमें अपोर्शनमेंट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर लेकिन इस केस में आप इनको इग्नोर नहीं करोगे क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं सर्विस ली होगी सर्विस डिपार्टमेंट्स ने भी ली होगी तो हम हजार को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है मान लो इसमें मैं सौ इसमें सौ इसमें सौ ठीक है हजार नहीं सौ ठीक है चार सौ इसमें ले लेते हैं और तीन सौ इसमें ले लेते हैं ठीक है यानी इस वाले डिपार्टमेंट का खर्चा जो है आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी आएगा साथ साथ सर्विस डिपार्टमेंट में भी आएगा ऐसे ही इस वाले हज़ार को अब क्या करोगे फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सौ सौ अब यहाँ पे ले, ले लेते हैं पाँच सौ और यहाँ पर फिर से मैं ले, ले लेती हूँ तीन सौ इसका भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस वाले का फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस वाले का भी खर्चा सौ फिर चार सौ पाँच सौ और ये खत्म ठीक है इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो भी सर्विसेज ली होंगी वो सारी सर्विसेज भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ठीक है डी ने इनको भी सर्विस दी होगी इनको भी सर्विस दी होगी तो सर्विस डिपार्टमेंट में भी इसका अपोर्शनमेंट होगा फिर इन्होंने आगे बोला जो रैंक सेकंड आया होगा उनको अपोर्शन करोगे एक्सेप्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर रैंक फर्स्ट जो भी फर्स्ट कॉस्ट सेंटर आया होगा ठीक है जैसे ये वाला मैंने करा फर्स्ट वाले का रैंक ये फर्स्ट रैंक है ठीक है ये रैंक फर्स्ट है ये सेकेंड है और ये थर्ड है यही मान के चल लेते हैं फर्स्ट रैंक वाले को हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब में अब जब सेकंड वाले को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्स्ट रैंक वाले को छोड़कर सेकंड वाले को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये तो नॉर्मल खुद ही नहीं हो जाएगा क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसे ही नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें आप जो फर्स्ट और सेकंड रैंक की हुई होगी उनको छोड़ दोगे ठीक है और फिर इन्होंने बोला इसी तरह से आप अपोर्शन करोगे और इसको क्या बोलेंगे स्टेप मैथड भी बोलेंगे और नॉन रेसिप्रोकल बेसिस मैथड भी आप इसको बोलोगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट हमारा जो था मैथड वो था इंटर डिपार्टमेंटल अपोर्शनमेंट जिसको हम हाँ बोलते हैं रेसी प्रोकल सर्विस मैथड ठीक है ये मैथड सबसे ज्यादा किसको वेटेज देता है जो बेटेज होगी इंटर सर्विस ट्रांसफर्स के अंदर अब इसमें भी तीन मेथड्स हैं सबसे पहला है, देखो अब इसमें आ, इसमें किस किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाता है मैथमेटिकल फॉर्मूलेस की हेल्प से आप इसका जो है मेथड को यूज़ करते हो एक इक्वेशन मेथड है इसमें क्या है प्रोपोर्शन ऑफ सर्विस बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स फ्रॉम अ कॉस्ट सेंटर आर असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स के बेसिस पर आप उनका पहले जो प्रपोर्शन है जितनी भी सर्विसेज बेनिफिट्स जो हैं रिसीव किए होंगे डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स ने उनका प्रपोर्शन लोगे फिर सेम रेशियोज को यूज़ करोगे एज कॉफिशेंस इन द इक्वेस फ्रेम्ड फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स इसमें क्या करोगे आप रेशियो लोगे उनकी जैसे मैंने आपको टू इज टू टू इज टू वन की रेशियो बताई दी इस तरह से फिर आप उनकी क्या लोगे रेशियो लोगे रेशियो लेने के बाद जो भी आपकी इक्वेशंस है उनके अंदर आप उसको पुट आउट करोगे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस गिव्स द कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर जो आपका सोल्यूशन आएगा उस इक्वेशन का उसको आप क्या करोगे Uh, क्या मान लूगी आपको क्या देगा कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर सर्विस कॉस्ट सेंटर्स की कॉस्ट देगा फिर ये जो कॉस्ट होगी इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स के अंदर ठीक है सेकेंड मैथड है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मैथड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मैथड में क्या होगा देखो सबसे पहले आप प्रोपोर्शन लोगे ठीक है सर्विस कॉस्ट सेंटर्स का और उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रोडक्शन कास्ट सेंटर में और अदर सर्विस कास्ट सेंटर्स के अंदर जो भी आपने डिटरमाइन किया होगा प्रोपोर्शन फिर जो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर्स जो कॉस्ट आएगी पहले वाले कॉस्ट सेंटर की उसको आप फिर से अपोर्शन करोगे टू प्रोडक्शन कास्ट सेंटर प्रोडक्शन कास्ट सेंटर के अंदर और सर्विस कास्ट सेंटर के अंदर सबसे पहले स्टेप में दूसरा स्टेप जो है इन्होंने बोला इसी तरह से जो नेक्स्ट सर्विस कास्ट सेंटर्स होंगे उनकी कॉस्ट को भी अपोर्शन किया जाएगा फिर ये जो प्रोसेस है जो भी आपको सेकेंड या थर्ड में बताया है ये तब तक चलेगा जब तक कि जो वैल्यूज हैं वो स्मॉल में ना आ जाए मतलब बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए तब तक इस तरह से प्रोसेस चलेगा और इस मेथड को आप क्या भी बोलोगे स्टेप लैडर मेथड, ठीक है अब लास्ट मेथड है हमारे पास ट्रायल एंड एरर मैथड अब ट्रायल एंड एरर मैथड में क्या करोगे इस मेथड में पहली स्टेज क्या होगी जो ग्रॉस कॉस्ट है सर्विस ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स आप उनको डिटरमाइन करोगे यानी पूरी की पूरी जो टोटल कॉस्ट होती है उनको चेक करोगे फिर सेकेंड स्टेज में क्या करोगे जो भी आपकी कॉस्ट निकल कर आई है सर्विस सेंटर्स की उनको अपोर्शन करोगे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में और फिर इन स्टेप्स को फॉलो करोगे कैसे जब जो प्रोपोर्शन है पहले आप वो निकालोगे उस प्रोपोर्शन जो भी प्रोपोर्शन होगा सर्विस कॉस्ट सेंटर का जो भी डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोपोर्शन होगा उसको प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में भी करोगे अदर जो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं उनमें भी करोगे सेकंड इन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर्स जो है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अदर सर्विस सेंटर में भी प्रपोर्शन में जो भी आपको रिसीव हुआ ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेप में जो टोटल कॉस्ट होगी सेकेंड सर्विस uh, कॉस्ट सेंटर की जो सेकेंड वाला रैंक किया होगा उसकी जो होगी आई होगी वो आपने क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करनी है अदर सर्विस सेंटर में सेम जो भी प्रोपोर्शन आपने लिया होगा जितने भी उन्होंने जो सेकेंड में असेस की थी ठीक है इस तरह से फर्स्ट जो असेस की हुई होगी उसी प्रोपोर्शन में आप क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे सिमिलरली इसी तरह से ही आप जितने भी कॉस्ट सेंटर्स हैं सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं उसकी जो भी अपोर्शनमेंट होगी अदर सर्विस कॉस्ट सेंटर में भी उसके अपोर्शन करोगे और ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलेगा जब तक की वैल्यू बहुत स्मॉल ना आ जाए या फिर बिल्कुल खत्म ना हो जाए एट लास्ट जो टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स आएगी वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के अंदर ठीक है पहले सर्विस इसमें ही करना है इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड में उसके बाद जो भी आएगी टोटल कॉस्ट उसको आपने किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में ठीक है अब हमारा आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है एब्जॉर्ब्शन ऑफ ओवर हेड्स का अब फाइनल स्टेप क्या होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं जो है फिर कलेक्ट करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने जो किया वो कंप्लीट हो चुका अब उसके बाद हम क्या करते हैं आपका एब्जॉर्प्शन uh, करते हैं ठीक है थीके? ओवरहेड्स का नाम ही यही है एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन एलोकेशन अपोर्शनमेंट हम सब कर चुके हैं अब हम करने वाले हैं का टॉपिक। अब ये जो का टॉपिक है, इसमें इन्होंने कि जो होता है कि अब आप क्या करोगे एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल जॉब्स प्रोसेसेस बैचेस और अदर कन्वीनियंट यूनिट्स अब यहाँ पर क्या होगा जितना भी आपने ओवरहेड लिया है ठीक है जो भी ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन किया गया है उस अपोर्शन वाले जो ओवरहेड हैं उनको अब आप सारा मर्ज करोगे मर्ज करने के बाद पर यूनिट कॉस्ट के अकॉर्डिंग उन सबको एब्सॉर्ब कर लोगे गे एब्जॉर्ब करके फिर आप क्या निकालोगे पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे ठीक है जैसे कि अगर मैं कहूं हमारे पास जो है थाउजेंड इसका थाउजेंड हंड्रेड 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 इन सबका अगर मैं टोटल करूँ तो कितना आ जाता है थर्टीन हंड्रेड ठीक है अब थर्टीन हंड्रेड वाला जो है अब इन्होंने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की मान लो ए वाली जो डिपार्टमेंट है उन्होंने वन थर्टी यूनिट्स का प्रोडक्शन करा तो अब मैंने क्या करा इन सबको मर्ज कर लिया मर्ज करने के बाद अब मैं निकाल लूंगी हमारी पर यूनिट कॉस्ट इसको हम मर्ज करने के बाद जो भी है वो हम लोग निकाल लेंगे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई वन थर्टी आ गई ठीक है मतलब कि नॉर्मल सी बात है वन थर्टी भी नहीं आई सॉरी टेन आ गई ठीक है यानी एक जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपए का बना दस रुपये का बना तो ये जो ओवरहेड्स अभी हमने ऐड किए ना इसका मतलब है कि ये जो ओवरहेड्स हैं सर्विस डिपार्टमेंट के इसको जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या कर लिया अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो इसको हम क्या बोलते हैं एब्जॉर्बशन ऑफ ओवर हेड सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड रेट्स ठीक है अब इसमें क्या करोगे ये जो लाइन बोल रखी है इस लाइन की जगह आप लिख सकते हो टोटल ओवर हेड सफोन में क्वान्टिटी ठीक है अब ये लाइन क्या बोल रही है जितना भी टोटल ओवर हेड निकल कर आया होगा उसको आप क्वान्टिटी से डिवाइड कर दोगे ठीक है तो ओवर हेड रेट आपको पता चल जाएगा अब इसमें तीन टाइप के रेट्स हैं पहला है एक्चुअल रेट दूसरा होता है प्रीडिटर्मेन रेट और तीसरा होता है स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट के केस में क्या करोगे एक्चुअल रेट के केस में जो आपका जो आएगा एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होंगे उसको आप एक्चुअल क्वांटिटी या फिर वैल्यू ऑफ द बेस फॉर द पीरियड उससे क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे बेस का मतलब है कि आपने बेस क्या लिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल बेस लिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस बेस है या आपका डायरेक्ट लेबर आवर्स है ठीक है प्रोडक्शन यूनिट्स है मशीन आवर्स है उस तरह से जो भी आपका बेस होगा तो वो आप ले लोगे और जितना भी एक्चुअल ओवर हेड निकल कर आया होगा उससे डिवाइड कर दोगे ठीक है ये फॉर्मूला है आप नॉर्मल ये वाला जो फॉर्मूला है ना सिर्फ एक्चुअल ओवर हेड से पॉन में एक्चुअल बेस ये वाला याद कर लेना ठीक है और थ्योरी के लिए भी यही लिख लेना बाकी अगर प्रैक्टिकल भी करते हैं तो यही ले लेना ठीक है अब इन्होंने आगे बोल रखा है कि जो एक्चुअल रेट मेथड है वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है क्यों क्योंकि एक्चुअल रेट जो है तभी आप जो है डिटरमाइन कर पाएंगे जब आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है ओवर हो जाएगा व्हेन द एक्चुअल फिगर्स वुड बी अवेलेबल जब आपके पास एक्चुअल फिगर्स होंगी तो इससे क्या होता है जो रिजल्ट्स हैं वो डिले हो जाते हैं और आपको जो करंट प्रोडक्शन आपकी हुई है उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सेकेंडली दूसरी बात ये कि जो एक्चुअल रेट है वो लाइबल होता है टू वाइड फ्लक्चुएशन फ्रॉम अ पीरियड टू पीरियड फॉर द फॉलोइंग रीजन अब यहाँ पर रीजन देखो पहले सम आइटम्स ऑफ ओवर आर नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द ऑल द अकाउंटिंग पीरियड रिपेयर्स ओवर टाइम प्रीमियम स्लीपे असेक्ट्रा यहाँ पर क्या बोला है कि जो एक्चुअल में जो ओवर हेड्स के जो रेट्स ये लोग लेते हैं एक्चुअल रेट के अंदर उस रेट में क्या होगा कि अब हर टाइम तो पूरे के पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर सेम रेट तो नहीं रहेंगे रिपेयर का खर्चा अलग हो सकता है अब जैसे पहले तो बहुत कम था अब बूम पीरियड आया तो रेट बढ़ गए होंगे ठीक है या लीफ पे आप बार बार चेंज करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर जो अमाउंट होता है वो एक्चुअली में उस हिसाब से आप नहीं बता सकते हो ठीक है नेक्स्ट इन्होंने बोला और कौन सा रीज़न दिया है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं सिर्फ और सिर्फ आप प्रोडिकली इनकट करते हो जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम्स होते हैं आपके टैक्सेस होते हैं असेक्ट्रा और कुछ ऐसी प्रोडक्शन इफेक्ट जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सीजनल या साइक्लिक फैक्टर्स के जो हैं उनके इफेक्ट करता है ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं तो उस वो भी आपके जो मंथ टू मंथ है उसमें वेरी करती हैं ठीक है उनकी कॉस्ट वेरी करती है तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक्चुअल रेट से प्रॉब्लम आ सकती है नेक्स्ट है प्रीडिटरमाइन रेट तो प्रीडिटरमाइन रेट में आपने क्या करना है नॉर्मल आपने क्या करोगे जो भी एस्टिमेटेड बजट्स होंगे या बजटेड जो भी फिगर होगी उसको आप एस्टिमेटेड बेस से डिवाइड कर दोगे ठीक है If ये आपने तब लेना है देखो ये जो रेट है डिटरमाइन किया जाएगा इन टू कंसिडरेशन टू देंज कंडीशन इफ एनी एजेन इन द बजट बजट में आपने पहले से ले रखी है और फिर कुछ चेंजेस आ गए तो उस केस में आप इसको यूज करोगे ये जो रेट है ये प्रैक्टिकल यूज होता है इसका कॉस्टिंग के अंदर जो प्री डिटरमाइन रेट है ठीक है इसका तो मेनली यूज होता ही होता है अब यहाँ पर देखो द रेट इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द अमाउंट ऑफ अवर है बजट वही बात है जितना भी बजट में डिसाइड किया होगा वो वाला रेट एंड अ प्री प्रीडि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द टर्म्स ऑफ द बेस विल बी बेसूज एज अ डोमिनेटर डेनोमिनेटर इन कैलकुलेटिंग ओवर हेड अब्जॉर्ब रेट डेनोमिनेटर में आप जो है बजटेड बेस या क्वान्टिटी जो भी होंगी वो डाल दोगे ठीक है अभी यहाँ पर इंटू में हंड्रेड भी बोल रखा है तो यहाँ पर नहीं लगा रखा तो आप लगा देना आगे देखो स्टैंडर्ड रेट में क्या है स्टैंडर्ड रेट में यह है कि आपने क्या लेना है स्टैंडर्ड ओवर हेड लेना है और डिवाइड कर देना है स्टैंडर्ड बेस से अगेन बेस का वही मतलब है जो भी आपने उस टाइम पे बेस लिया होगा अब इसमें ब्लैंकेट और मल्टीपल रेट्स आते हैं दो टाइम यूज़ होती हैं ब्लैंकेट का मतलब होता है एक सिंगल रेट यानी ये जो है कंप्यूट किया जाता है पूरी एक इंटायर फैक्ट्री के लिए कि इन पूरी फैक्ट्री जो है वो सिर्फ एक सिंगल रेट से चलेगी तो उसको आप कैलकुलेट करोगे जितना भी टोटल ओवर आएगा उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल क्वान्टिटी से ठीक है टोटल ओवर डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी, मल्टीपल रेट्स के अंदर सेपरेट रेट्स होंगे हर एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर के और आपके प्रोडक्शन लाइंस के तो उसमें क्या करोगे ये जो रेट्स हैं कॉमन इन यूज जो हैं आर कॉमन इन यूज कॉमन यूज में होंगे एंड आर ऑल्सो नोन एज डिपार्टमेंटल रेट्स अलग अलग डिपार्टमेंट के रेट्स को अलग अलग आप लोगे ठीक है एंड द ब्लैंकेट रेट इज मिसली वे प्रोडक्ट्स पास थ्रू वन और मोर डिफरेंट प्रोसेस और डिपार्टमेंट्स एज शोन बिलो जैसे डिपार्टमेंट दे रखे हैं मशीन आवर्स ओवर हेड्स डिपार्टमेंटल रेट और ब्लैंकेट रेट फिफ्टी परसेंट का दे रखा है तो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से आपको गलत गाइडेंस दे सकता है जो ब्लैंकेट रेट है तो ब्लैकेट रेट आपको गलत गाइडेंस क्यों दे सकता है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट जो भी पूरे डिपार्टमेंट्स होंगे एक फैक्ट्री के अंदर उन सबका एक ही रेट बना देते हैं तो वो ऐसा हो नहीं सकता ठीक है तो ये आपको कहीं ना कहीं गलत जो है मिसलीडिंग वे देगा अब जैसे यहाँ पर देखो जो एग्जांपल दे रखा है आपका जो डिपार्टमेंट ए है बी है सी है मशीन आवर्स दे रखे हैं आपको नॉर्मल डिपार्टमेंटल रेट्स और ब्लैंकेट रेट दे रखा है अगर प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट वाई है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है ए डिपार्टमेंट के अंदर तो वो टू हंड्रेड आवर्स लेगा ठीक है और इसका ओवर हेड जो होगा वो ट्वेंटी परसेंट होगा और आपको कितना पे करना पड़ेगा फोर्टी रुपीज़ ओनली वेयर एज अगर ब्लैंकेट रेट से आप देखोगे तो आपको सौ रुपये पे करना पड़ेगा एट फिफ्टी परसेंट रेट पर ठीक है ये तो आपका ट्वेंटी परसेंट के रेट पर है तो आपको कितना पे करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ फोर्टी रुपीज़ लेकिन अब ये जो है आपका फिफ्टी परसेंट के रेट पर है इसका मतलब आपको अगर ब्रैंकेट रेट से आप निकालते हो तो आपको हंड्रेड रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं आपको मिस गाइड कर रहा है मिसलीड कर रहा है ठीक है सो मल्टीपल रेट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा अलग अलग रेट्स हैं आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग सेपरेट रेट्स को फाइंड आउट करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा ठीक है और इसको आप क्या बोलते हैं डिपार्टमेंटल रेट्स भी बोलते हैं क्योंकि मल्टीपल हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग रेट को यहाँ पे आप डिस्क्राइब करोगे ठीक है और आज हम यहीं तक का ही टॉपिक रहे हैं नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय